हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू भावना यादव्स किचन। फ्रेंड्स, आज मैं बना रही हूँ मटर मशरूम। मटर मशरूम बनाने के लिए मैं जो चीज़ें ले रही हूँ वो इस तरीके से हैं। मैंने लिए हैं मशरूम 2 पैकेट। मेरे फ्रेंड्स, मेरे मशरूम ये दो तरीके के दो कलर्स में दिख रहे हैं। एक्चुअली मुझसे गलती हो गई थी कि मैंने इसको डीप फ्रिज में रख दिया था, जिससे इसमें बर्फ़ जम गई और इसका कलर थोड़ा चेंज हो गया। बाकी ये है फ्रेश। ये मैंने लिए हैं 2 पैकेट्स लिए हैं, तकरीबन आधा किलो मटर लिए हैं मैंने 1 कप। और मैं आपको बता दूं, मैंने 2 प्याज लिए हैं, इस साइज़ के प्याज लिए हैं मैंने, और 2 टमाटर लिए हैं। ये इतना लहसुन लिया है मैंने, पूरी 1 गांठ, 1 पोथी भी बोल सकते हो आप इसको। और इनको मैंने यहाँ पर काट लिया है, देख सकते हैं। मैंने एकदम नाप करके, और सही नहीं, ऐसे ही जैसे भी आप काट सकते हैं, एकदम मेजरमेंट और वो नाप करके वैसे नहीं काटा है मैंने, ऐसे लिया है। अदरक ली है मैंने 1 इंच का टुकड़ा, और कम से कम 6 से 7 हरी मिर्चें ली हैं। छोटी हैं मेरी ये और तीखी हैं। तो चलिए हम मटर मशरूम बनाना शुरू करते हैं। और हाँ, सॉरी, ये मैंने लिए हैं गरम मसाले। इसके अंदर मैंने डाला है दगड़ फूल, इसको जंगली फूल भी कहते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है, अगर ये आपके पास में नहीं है तो आप ना भी डालें। स्टार वाला गरम मसाला, बड़ी इलायची, दालचीनी, काली मिर्च और 2 लौंग। अगर आपके पास में इनमें से जो गरम मसाला ना है तो आप ना भी डालें, कोई ज़रूरी नहीं है कि आपने ये डालने ही डालने हैं। तो चलिए हम इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। मैंने हम गैस के ऊपर हमारा कुकर रख दिया है। फ्रेंड्स, मैं मटर मशरूम कुकर में बनाऊंगी, ये जल्दी भी बन जाएंगे और टेस्टी भी बनेंगे। मैंने इसके अंदर 1 टेबल स्पून वेजिटेबल ऑयल डाला है, ज़्यादा नहीं डालेंगे हम इसके अंदर, क्योंकि हमने अभी हमारे प्याज, लहसुन, अदरक, टमाटर, हरी मिर्ची और हमारे ये जो मैंने सूखे गरम मसाले लिए हैं ये डाल करके इनको पकाना है। हमारा तेल गरम हो चुका है। अब मैं इसके अंदर हमारे सारे साबुत मसाले ऐड कर दूँगी, और हमारा साबुत गरम मसाले भी इसमें डाल दूँगी। ये ऊपर से डालना चाहिए, इसका फ्लेवर ज़्यादा अच्छा आता है। पिसे हुए गरम मसाले का अलग फ्लेवर आता है। अभी हम इसको अच्छे से पका लेंगे, रोस्ट करना है हमने इसको अच्छे से। हमारा मसाला, प्याज वगैरह जो है ये सिक चुके हैं, मैं गैस फ्लेम ऑफ कर दूँगी और इसको ठंडा करके हम मिक्सी में पीस लेंगे। और मसाला हल्का सा ठंडा हुआ था, मैंने हल्के गरम मसाले के अंदर ही जो है उसको ब्लेंड कर दिया। आप देख सकते हैं ये पिस चुका है बिल्कुल। अभी मैं मैंने तकरीबन 2 टेबल स्पून कुकर में ऑयल गरम चढ़ा दिया है, और अब हमारा ऑयल गरम हो जाएगा, फिर मैं इसके अंदर हमारा ये मसाला डालूंगी। फ्रेंड्स, मशरूम हमारी बॉडी के लिए बहुत ही अच्छे होते हैं, बहुत ही हेल्दी होते हैं। इससे हमारी बॉडी के अंदर पानी, इसमें फाइबर होता है, जिससे ये बहुत अच्छा रहता है। हमारे शरीर में होने वाली पानी की कमी को ये दूर करता है, इसलिए हमें इसको ज़रूर खाना चाहिए, और ये टेस्टी भी बनता है। जैसे कि आप देख रहे हैं हमारा पेस्ट जो है वो अच्छे से मिक्स हो गया है। और अभी मैं इसके अंदर डालूंगी हमारे मसाले। मैं इसमें 2 चम्मच नमक डाल रही हूँ, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा और डाल सकते हैं।
स्पून जो है मैंने इसमें डाला है लाल मिर्च पाउडर, हाफ टी स्पून हल्दी और 1.5 टीस्पून मैंने इसमें धनिया पाउडर का ऐड किया है। अभी हम इसको मीडियम फ्लेम के ऊपर मसाले को पकाएंगे हमारे को। अभी मैं इसमें तकरीबन 1 टेबल स्पून अपना होममेड बटर का डालूंगी, इससे टेस्ट अच्छा आ जाता है। और मैं इसमें ऐड करूंगी हमारा तकरीबन 1 टेबल स्पून दही, और दही डालने के बाद में इसको हमने कंटिन्यूसली हिलाते जाना है ताकि इसके अंदर जो है गुठलियाँ ना पड़े दही की, और वो अच्छे से हमारे मसाले में मैश हो जाए। इसको मैं तकरीबन 2 मिनट के लिए पकाऊंगी, फिर हम इसके अंदर ऐड करेंगे मलाई। 2 मिनट हो गए हैं, अभी मैं इसमें ऐड करूंगी मलाई। फ्रेंड्स, आपके पास में घर पे मोस्टली होता है क्रीम, हमारे पास में अवेलेबल नहीं होती है। आप चाहें तो मलाई को फेंट करके क्रीम भी बना सकते हैं, नहीं तो आप डायरेक्ट मलाई भी इसमें डाल के यूज़ कर सकते हैं, वो क्रीम का ही आपको फ्लेवर देगी। मैंने इसमें 2 टेबल स्पून मलाई का डाला है। अभी मैं इसको 2 मिनट के लिए फिर से मीडियम फ्लेम पे पकाऊंगी। अभी मैं इसमें थोड़ा सा कस्तूरी मेथी डाल दूंगी। फ्रेंड्स, ये रेसिपी ढाबा स्टाइल है, सेम ढाबे में भी इसी स्टाइल से बनाई जाती है। अभी मैं इसमें मटर ऐड कर दूंगी और हमारे मशरूम्स ऐड कर दूंगी। हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसमें मैं थोड़ा सा पानी ऐड कर दूंगी। ज़्यादा पानी नहीं डालूंगी इसमें, क्योंकि मशरूम्स में खुद में पानी होता है और वो थोड़ा पानी अपना भी छोड़ते हैं। मैंने ये जार जो है उसी को, उसमें मसाला था तो उसी के अंदर पानी डाल करके उसको मैंने कर दिया है, धो करके पानी यूज़ कर लिया है। अभी हम इसको ढक देंगे। मैं इसमें 1 से 2 सीटी लेऊंगी और उसके बाद में गैस ऑफ कर दूंगी। मैंने 3 सीटी आने के बाद में अपनी गैस बंद कर दी थी। हमारा कुकर ठंडा हो चुका है, हम चेक करते हैं हमारी सब्जी। आप देख सकते हैं हमारी सब्जी बनके बिल्कुल रेडी हो चुकी है, और मैंने इसमें पानी ज़्यादा नहीं डाला था। फ्रेंड्स, हमारी सब्जी बिल्कुल रेडी हो गई है। अभी मैं इसमें धनिया मैंने पानी में डिप करके रख रखा था ताकि इससे इसकी सारी रेत निकल जाए, इसमें डालूंगी। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, और अगर आपने मेरा चैनल अब तक सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो और बेल आइकन पर क्लिक करो। देख सकते हैं आप, ये सब्जी बनने में हमारे को तकरीबन 8 मिनट लगे हैं, 8 मिनट से ज़्यादा नहीं लगा है। ये आप कोई भी मेहमान आए, कोई भी आए तो आप छत से बना सकते हैं, और बहुत ही टेस्टी सब्ज़ी बनी है। ओके, बाय बाय।